हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। सो फ्रेंड, आज के वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा खास इंडीज होने लगा है। क्यों गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, डेंजर फोटो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितना HD फोटो वाई एडिट एंड कितना हार्ड लग रहा है पोज और बैकग्राउंड कितना हार्ड है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा गाइस। आपको पता है गाइस, अगर आपको इंस्टा फेमस होना है तो कुछ इस टाइप का फोटो बनाना होगा, ठीक है मेरी जान। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किस तरह हमको इस फोटो को बनाना है। सबसे पहले आपको इस तरह फोटो को क्लिक करना है, जो कि कुछ इस तरह हमको फोटो को क्लिक करना है। देखिए, आपको कुछ डर सा होना चाहिए आपको बॉडी में एंड आपको फोटो क्लिक करना है। एंड देखिए, फोटो क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फोटो को लाइट रूम में ले चलना है, ठीक है। तो चलिए हम ले चलते हैं लाइट रूम में। देखिए, आपको एक एक स्टेप बताऊंगा और जितना जितना हो सके उतना आपको आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप फोटो बहुत ही आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमको लाइट रूम में आने के बाद एक प्रीसेट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिस प्रीसेट से आपका चेहरा बहुत ही वन क्लिक में बहुत हार्ड रिटच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये वाला प्रीसेट हमें आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। तो देखिए, इसको लेने के बाद हमको जाना है 3 डॉट पर एंड कॉपी सेटिंग में जाना है और इसको मार्क करना है और इस पर जाना है और हमको हील और क्रॉप को हटाना है और यहाँ से बैक करना है और ऐसे सही कर देना है। देखिए, सेटिंग कॉपी हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं इतना फास्ट किया तो आप स्लो मोशन में करके इसको देख सकते हैं मैं क्या क्या किया और किस तरह कॉपी हुआ। तो देखिए, इतना कॉपी होने के बाद हमको फोटो पे जाना है, जिस फोटो को हमको बनाना है। इस फोटो पे आने के बाद हमको जाना है 3 डॉट पे एंड यहाँ लिखा हुआ पेस्ट सेटिंग, तो वो पेस्ट सेटिंग कर देना। देखिए, वन क्लिक एंड फोटो रिटच। सो गाइस, आप एकदम सोच रहे होंगे कितना फोटो HD हो चुका है वन क्लिक में। तो ये प्रीसेट का कमाल है, ठीक है, वो भी मेरे प्रीसेट का। देखिए कितना अच्छा हो चुका है, देखिए वन क्लिक में। देखिए, इतना होने के बाद इस फोटो को हमको करना है कहाँ, शेयर करना है। कहाँ पे शेयर करना है, स्नैपसीड एप्लीकेशन में। और हम चलेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में, चलिए हम चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक मैं बात बता दूँ कि देखिए अभी 12:06 हो रहा है, ठीक है। देखिए, अब 90% मैसेज आया है। तो गाइस, 12 बज रहा है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि गाइस, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि 12 बजे ये बंदा आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा है 12 बजे ये बंदा। तो देखिए, इसमें आने के बाद हमको जाना है टूल्स पे एंड हमको सिलेक्टिव पे जाना है। और देखिए गाइस, हमको इस तरह करना है। देखिए, इस तरह देखिए, जहाँ पर भी लाइट कम है उस तरह हमको लाइट ज़्यादा करना है एंड इस तरह हमको सिचुएशन को कम करना है, जो कि हम सिचुएशन इसलिए कम किए ताकि यहाँ पर रेड था पहले से, तो हम सोचे कि रेड क्यों रहेगा, हम पूरा बराबर करेंगे, ठीक है। जो कि कहीं पे रेड कहीं पे वाइट होता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम पूरा सिचुएशन मिला देंगे अच्छे तरह से। जो कि देखिए, इसको हम हाई करेंगे तो सिचुएशन लाल होगा, ठीक है, और इसको हम लो करेंगे तो सिचुएशन लो होगा। तो आपको इस तरह कर देना है। देखिए कितना OP हो गया है, जो कि बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकते हैं, ठीक है, कितना OP लग रहा है। एंड हाथ देखिए हमारा, यहाँ पर हैंड जो है वो ब्लैक है, तो इसको भी हम हाई कर देते हैं लाइट को। देखिए, इतना करने के बाद देखिए इतना तो काम हो चुका है, लाइट अच्छे से लग चुका है हमारे फेस पे। उसके बाद हमको देखिए टूल्स पे जाना है एंड हमको डिटेल पे जाना है और हमको शार्पनिंग को इतना हाई करना है। देखिए इतना हाई करना है। उसके बाद देखिए, इसका तो काम हो चुका है। इसके बाद इस फोटो को हमको ले चलना है कहाँ पे, Autodesk के अंदर इस फोटो को ले चलना है एंड हमको करना है फोटो का स्मूथ, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, हमको आना है स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो देखिए, हमको इसमें आने के बाद देखिए हमको पेंसिल वाले आइकन पर जाना है एंड हमको नीचे जाना है और हमको ये इस वाले पेंसिल को लेना है और सेटिंग को हमको कुछ इस तरह रखना है, जो कि आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप किसी भी फोटो को बनाने के लिए इसी पेंसिल का यूज़ कीजिए, जो कि आप देख सकते हैं नीचे से सेकेंड पे है, इसी पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए, हमको इस तरह स्मूथ कर लेना है फोटो को। चलिए हम वीडियो को फास्ट करते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। अगर आप चाहते हैं फोटो को HD करना है तो आप रेमनी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं इतना क्वालिटी है मेरे लिए बहुत है, इसलिए मैं रेमनी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं बहुत हार्ड क्वालिटी बनाना फोटो का तो आप रेमनी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को फास्ट करते हैं, स्मूथ करते हैं बहुत जल्द। देखिए वालों का फेस स्मूथ हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, बहुत अच्छा स्मूथ हुआ है। तो देखिए, हमको फेस स्मूथ करने के बाद इस फोटो को हमको ले चलना है कहाँ पे, स्नैपशीट के अंदर इस फोटो को ले चलना है। फेस को हम करेंगे बहुत अच्छा लाइटिंग देंगे, ठीक है। देखिए, आपको कभी भी स्मूथ करने के बाद ले चलना होता है स्नैपशीट में। अगर आप स्नैपशीट में मत ना ले जाइएगा तब का फोटो ख़राब बनेगा, ठीक है। तो देखिए, हमको स्नैपशीट में आने के बाद हमको जाना है टूल्स पे और हमको सिलेक्टिव पे जाना है। और देखिए, जहाँ पे भी हमको ब्लैक लगता है वहाँ पे हमको लाइट देना होता है। देखिए, यहाँ पे ब्लैक लग रहा है तो हम यहाँ पर लाइट देंगे, और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक लग रहा है तो हम यहाँ पे भी लाइट देंगे। देखिए, जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे आपको लाइट देना है, ठीक है। इस तरह बहुत फोटो OP लगता है।
देखिए हमको इस तरह इतना करने के बाद इस फोटो को हमको सीधे शेयर करना है कहाँ पे, फोटो रूम एप्लीकेशन में, एंड हम करना है बैकग्राउंड को कटआउट। तो देखिए फोटो रूम में हम आ चुके हैं गाइज, आपको बताए हैं बहुत सी वीडियो में कि फ़ोटो को रूम से बैकग्राउंड कटआउट कैसे करते हैं, तो आपको तो पता ही होगा किस तरह कटआउट करते हैं। देखिएगा ये कटआउट हो चुका है हमारा एक ही क्लिक में। तो देखिए ये जो इतना ऑप्शन आया हुआ है, तो हमको जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, तो हमको इस पर जाना है, और इस पर आने के बाद देखिए ऊपर एक निशान है डाउनलोड का, हमको डाउनलोड कर लेना है फ़ोटो को। देखिए हमको डाउनलोड करने के बाद, देखिए डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक मिनट, देखिए आज से हम फिर इसको डाउनलोड करते हैं। अच्छा देखिए आज से डाउनलोड हो चुका है, पहले कुछ प्रॉब्लम था इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा था। देखिए डाउनलोड हो चुका है, चलते हैं हम गैलरी में एंड आपको दिखाते हैं आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए हमारा ये रहा गैलरी, देखिए आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद हमको फोटो तो कटआउट यहाँ पे हो चुका है जो कि आप देख सकते हैं, उसके बाद देखिए एक आपको बैकग्राउंड दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आज अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए इस बैकग्राउंड को हमको ले चलना है कहाँ पे, पिक्सआर्ट में। देखिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ले चलना है जो कि आपको बताइए। देखिए आ रहा है पिक्सआर्ट, तुमको पिक्सआर्ट में इस बैकग्राउंड को ले आना है। देखिए आ रहा है बैकग्राउंड, देखिए आने के बाद उसके बाद हमको जाना है यहाँ पे ऐड फोटो पे। देखिए ऐड फोटो पे जाना है और जो बैकग्राउंड हमारा कटआउट हुआ था फोटो का, उस फोटो को हमको लेना है। देखिए इस तरह हमको फोटो को लेना है एंड फोटो देखिए अभी आ रहा है, देखिए फोटो हमारा आ चुका है। देखिए फोटो को हमको अच्छे से इस तरह जूम कर लेना है इतना, देखिए इस तरह हमको अच्छे से जूम करके यहाँ पे बैठा देना है। देखिए बैठाने के बाद सबसे पहले हमको इरेज पे जाना है, और जो ये जूता आया हुआ है पता ना किसका जूता, ये मेरे फोटो में आ गया, दिमाग खराब हो रहा है, किसी का भी होगा। सबसे पहले हम इस जूता को हम हटा लेते हैं, क्योंकि गाइस इसमें आपको पता है इरेज का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि हम हटा सकते हैं जूता को। देखिए गाइस ये हट चुका है, देखिए देखिए हटने के बाद हमको इस तरह यहाँ पे इतना हमको रखना है, देखिए इतना ही हमको रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए इतना रखने के बाद हमको प्लस यहाँ पे जो एक ऑप्शन है प्लस का, तो हमको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद देखिए एक ऑप्शन आता है स्टिकर का, तो हमें स्टिकर पर जाना है एंड हमको सर्च करना है क्या, शैडो। देखिए हमको शैडो सर्च करना है, उसके बाद देखिए शैडो आएगा बहुत सारा, तो हमको नीचे जाना है एंड अच्छा वाला शैडो हम खोजेंगे। देखिए हम खोज रहे हैं शैडो अच्छा वाला, जो कि आप कोई सा भी लगा सकते हैं जो कि लगे हम ज़मीन पे हैं। देखिए चलिए शैडो नहीं मिल रहा है, तो हम ये वाला शैडो को लेंगे एंड हम इस तरह इसको रोटेट करेंगे और इस तरह हम नीचे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह लगाने के बाद हमको इस पेंसिल पे जाना है एंड यहाँ से इन्वर्ट करेंगे, और हम जो जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे हम इस तरह इसको रीस्टोर कर लेंगे। देखिए इस तरह अच्छे से हमको कर देना ताकि अच्छा लगे, रियल लगे, ठीक है। देखिए हम अच्छे से करते हैं, बहुत ओपी लगेगा अभी। देखिए इसमें टाइम लगता है, देखिए इतना करने के बाद हमको सही करना है, और ये इस पे जाने के बाद हमको इसको मूव डाउन कर देना है। देखिएगा कितना ओपी लग चुका है, फिर इसको अपने हिसाब से इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए इतना तो हो गया, फिर इसको हम डुप्लीकेट करेंगे एंड हम जूता के नीचे ले जाकर इस तरह करेंगे और मूव डाउन कर देंगे। देखिए और वीडियो को हम कम कर देंगे, देखिए फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे और इस स्विच के नीचे ले जाएंगे एंड हम मूव डाउन कर देंगे। देखिए और हम इसको सीटू को अपने हिसाब से कर देते हैं ताकि फ़ोटो अच्छा लगे। तो देखिएगा कितना अच्छा इतना तो हो गया, फिर हम उसी शैडो को फिर एक बार लेंगे एंड शैडो को लेने के बाद हम इस तरह हमको इसको रोटेट करेंगे और हम नीचे इस तरह लगा देंगे। देखिए देखिए इस तरह लगाने के बाद देखिए इसको हम सही करेंगे। देखिए उसके बाद एक PNG आपको बताया मैंने, फ़ोटो जो बनाया था उसमें एक PNG लगा था पैर में, क्योंकि पैर में कुछ था तो हम उसको सबसे पहले लगाएंगे। उसको देखिए उसको लगाने से पहले आपको एक सर्च करना है स्टिकर पे जाने के बाद, आपको सर्च करना है हैंड, देखिए हैंड आपको हैंड कॉप सर्च करना है। देखिए देखिए सर्च करने के बाद आपको अपने हिसाब से लेना है जो कि आपके पैर में हो जाए, ठीक है, जो कि मैं अभी लेता हूँ एक अच्छा सा देख कर। चलिए मैं आपको दिखाते हैं मैं कौन सा वाला लेने वाला हूँ जो कि आपको एक पैर में लगाना है, ठीक है, इसको जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है आपके हिसाब से। तो देखिए हम लेते हैं अपने हिसाब से जो कि हमारे पैर इस तरह था, तो हम लेते हैं। देखिए देखिए आपको अच्छा वाला खोज लेना है गाइस, देखिए आपको आराम से फोटो बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। देखिए हमको इसको लेना है एंड हमको इस तरह इस पे जाने के बाद फ्लिप पे और इसको रोटेट करेंगे। देखिए लग जाएगा, ठीक है, हम आराम से लगा सकते हैं इसको, और हम इसको करेंगे इस तरह, और देखिए हम कितना ओपी इसको लगाएंगे अभी। देखिए इतना वो करने के बाद हमको इस तरह इतना पे और इरेज पे जाना है, और हमको इस तरह नीचे वाले पार्ट को इस तरह इरेज कर देना है। देखिए कितना
आंखों की तरह से। ये कितना अच्छा लग चुका है। फिर हम नीचे वाले पार्ट को हम इतना ही रहन देना है, देखिए बस उतना ही बचाना है, नीचे सबको इरेज कर देना है। देखिए देखिए इतना तुम्हारा कितना ओपी लग चुका है पैर में। देखिए इतना होने के बाद एक आपको PNG मिल जाएगा, ठीक है, उस PNG को अपलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए हम PNG को लेते हैं और आपको कितना अच्छा हम बनाएंगे अभी फ़ोटो को। देखिए सब फोटो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस PNG को लेना है और लेने के बाद देखिए हमको जाना है यहाँ पे, कहाँ पे जाना है हमको, फ्लिप पे, एंड इसको हम रोटेट कर देना है इस तरह। देखिए इस तरह करने के बाद हमको इस तरह करना है, देखिए इसको तान देना है सबसे पहले, और इस तरह हमको करने के बाद एंड इस तरह छोटा करना है इसको, और हमको इरेज पे जाना है, और देखिए हमको इस तरह इरेज करके इस तरह हम इसमें मिला देना है जिससे कि लगे कि वही है, ठीक है, उसमें ज्वाइंट है। देखिए कितना ओपी हो चुका है, देख लीजिए। तो देखिए इतना तो हो चुका है काम हमारा, उसके बाद इस फोटो को हमको सेव कर लेना है। देखिए देखिए सेव करना है, उसके बाद हमको फोटो को ले चलना कहाँ पे, लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, हम बहुत अच्छा उस पर लाइटिंग देंगे। देखिए इस पर आने के बाद हमको जाना है लाइट रूम में। देखिए गाइस आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसके लिए स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने भाई लोगों के पास। देखिए हमको लाइट रूम आने के बाद सबसे पहले जाना है हमको लाइट पर, और हमको वाइट को कम करना है एंड ब्लैक को हाई करना है और शेडो को भी हाई करना है। देखिए इतना काम करने के बाद हमको जाना है फिर कलर पे, और हमको जाना है मिक्स पे, और देखिए मिक्स पे आने के बाद देखिए इतना बिंदु आपको दिखाई दे रहा है कलर, तो हमको दो नंबर पे जाना है, दो नंबर वाले बिंदु पे, एंड सेचुरेशन को कम करना है और हुई को भी कम करना है, और इसको जो ल्यूमिनेंस है इसको हाई करना है। देखिए इतना करने के बाद हमको फिर जो यहाँ पे इतना ऑप्शन है टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेशन, सिचुएशन, तो हमको जो टेम्प है इसको हाई करना है, और टिंट को भी हाई करना है कम से कम 8, ठीक है, और हमको वाइब्रेंस को भी कम से कम +10 रखना है। और इतना रखने के बाद देखिए जो नीचे सिचुएशन का ऑप्शन है इसको हमको हाई नहीं करना है, इसको हमको लो करना है -6। देखिए इतना करने के बाद हमको फिर आना है कहाँ पे, इफेक्ट पे, एंड हमको क्लैरिटी को हाई करना है और हमको विग्नेट को ज़्यादा लो करना है। देखिए इस तरह इतना लो करना है। देखिए इतना करने के बाद हमको डिटेल पे आना है एंड हमको शार्पनिंग को इतना हाई करने का, 70 कम से कम रहने देना है। देखिए 71 हम रहने देते हैं एंड हमको नोइज़ रिडक्शन को प्लस करना है, बस एक पॉइंट प्लस करना है एंड हमको डिटेल को हाई करना है। फिर देखिए कलर नोइज़ रिडक्शन को हमको हाई करना है और हमको डिटेल को हाई करना है और स्मूथनेस को हाई करना है। तो देखिए फोटो हमारा बन चुका है, कितना ओपी लग रहा है फोटो हमारा, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर पे कुछ इफेक्ट आया हुआ है, तो उसके लिए हम जाएंगे कलर पे और हमको मिक्स पे जाना है, और जो भी कलर हमारे हेयर पे दिखाई दे रहा है उस कलर पे, देखिए ये जो कलर है ये वाला कलर है, ठीक है, ये वाला कलर, हमको सिचुएशन को लो करना है एंड इसको कम करना है। फिर हम इस पे जाएंगे, इसको कम करेंगे, इसको कम करेंगे, देखिएगा जी गायब हो चुका है वो कलर। तो देखिएगा जी फोटो कितना ओपी बन चुका है। तो होप गया जी वीडियो आप लोग को पसंद आया, अगर पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच रहे। तो धन्यवाद।